हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं लिख रही हूँ 56 कद्दू की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत हेल्दी भी होती है। तो ये समर में ही आती है सब्ज़ी, तो 56 कद्दू को समर स्क्वैश भी बोलते हैं, तो कई लोग इसे टींडे भी बोल देते हैं। लेकिन टींडे जो है उनकी शेप थोड़ी अलग होती है, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो चलिए ये सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में पूरा एंड तक। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के साथ कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो चलिए ये सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है ये 1 किलो 56 कद्दू। तो ये आप फ्रेश ही लीजिए, ऐसा नहीं कीजिए कि एक दो दिन हम रख के फिर बनाएं तो ठीक नहीं बनती है। तो ये फ्रेश ही बनती है सब्ज़ी। तो इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा जाते हैं, तो 4 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं मैंने। और ये है रूटीन के मसाले। तो 56 कद्दू, ये देखिए कितने फ्रेश है, एकदम इतने सॉफ्ट सब्ज़ी होती है, ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो इन्हें हम छील कर, और इसको साबुत ही वॉश करना है, इसको काट के नहीं वॉश करना है, क्योंकि ये पानी बहुत जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये देखिए पानी इसमें साबुत को में ही पानी में थोड़ा वॉश करके और अच्छी तरह से मल के, और इसे किसी कपड़े से हमने पोंछ देना है। तो ये देखिए, तो इसको हमने, मैं देखिए इसको ऐसे काट रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो 4-4 पीसेस भी काट सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसे स्लाइसिस में काटूँगी। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है सब्जी। तो एक बार आप मेरी रेसिपी से ये सब्ज़ी बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सभी को बहुत पसंद आती है ये सब्ज़ी। बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है टींडे के नाम सुनते ही थोड़ा मुंह बना लेते हैं, तो वो सबके घर की सेम कहानी है। तो प्याज भी हम ऐसे बारीक बारीक ऐसे स्लाइसिस में काट लेंगे। तो इसमें मैंने 2 या 3 हरी मिर्चें थी वो मैंने काट ली हैं। तो ये सब्ज़ी में कुछ अदरक लहसुन कुछ भी नहीं जाता है, तो ये ऐसे ही बहुत स्वाद बनती है सब्ज़ी, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है इसका। तो इसे मैंने बनाया है देसी घी में, और अगर आप देसी घी जो है अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है देसी घी डालने से और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये घी जो है हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये जीरा। और जीरा जैसे ही हमारा क्रैकल होता है तो तभी हम डाल देंगे इसमें अनियन। तो अगर आप इसमें अदरक डालना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं जो है बिना अदरक लहसुन के बनाऊंगी ये सब्ज़ी। तो समर में वैसे भी अदरक लहसुन इतना खाया नहीं जाता है, तो इसलिए इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। और अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। और इधर टमाटर भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, तो ये टमाटर भी हम जो है आप प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन बारीक कटे हुए थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें। तो अब डालेंगे इसमें हम ड्राई मसाले, हल्दी, और ये इधर देगी मिर्च थोड़ा कलर लाने के लिए। और इधर डालेंगे 1/2 चम्मच ये काली मिर्च। और अगर आप थोड़ी स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें हल्की सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर का। नमक जो है हमारा स्वाद के अनुसार जाएगा। तो जैसे आपने बहुत सारी डिशेस मैंने मेरी देखी हैं, तो मैं धनिया पाउडर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि सब्ज़ी की एक तो ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है, और टेस्ट तो खैर धनिया का अलग ही आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है सब्ज़ी। अब इसमें मिक्स कर देंगे हम ये टमाटर, और इसमें सब्ज़ी में हमने थोड़ा भी पानी ऐड नहीं करना है। ये आप देखिए टमाटर जो है ऐसे ही हमने स्टीम से पका लेने हैं, और इसको ढक के 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। और उसके बाद जो है हम जो स्पैचुला है उसी की हेल्प से थोड़ा मैश कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी जो है आप अपने घर में मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी, अगर बच्चे खाते हैं तो। लेकिन बड़े लोग जो हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
तो अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं जी अपने 56 कद्दू। और 56 कद्दू डालने के बाद भी हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि 56 कद्दू जैसे ही हम सिम पे रख के पकाएंगे ये काफ़ी पानी जो है छोड़ देते हैं, तो उसी पानी में हमने ये सब्ज़ी पकानी है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मसाले में हमने ये जो तड़का है इसमें मिक्स कर देने हैं 56 कद्दू, और इसको ढक के कम से कम भी 5 मिनट हम पकाएंगे, और उसके बाद हम इसमें बीच बीच में हिलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। लेकिन आप इधर देखिए कि पानी जो है इन्होंने देखिए कितना छोड़ दिया है, तो मैंने इसमें थोड़ा भी पानी ऐड नहीं किया है, ये ऐसे ही सब्ज़ी बनाई जाती है। तो देखिए इधर तड़के में बिल्कुल भी पानी नहीं डालने के बावजूद भी पानी इसने काफ़ी जो है कद्दू ने छोड़ दिया है। एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना आप, और मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि जब आपने बनाई तो कैसी बनी। तो ये देखिए इधर ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ये सब्ज़ी जो है बहुत जल्दी बन जाती है। बस इसमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम इसको सिम पे पकाते हैं, इसको तेज़ आंच पे बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिम पे भी ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो अब इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हमने स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि इसका ऑथेंटिक टेस्ट जो है अगर हमने लाना है तो हमें थोड़े मसाले जो हैं वो अवॉइड करने पड़ेंगे, नहीं तो वो मसाले का ही टेस्ट आएगा, सब्ज़ी का जो है कोई टेस्ट आ ही नहीं पाता है। तो ये सब्ज़ी इधर हमारी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा धनिया डालिए, धनिया तो हर सब्ज़ी में डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है, तो धनिया डाल के इसको अच्छे से हमने कर लेना मिक्स। तो ये देखिए कितना कलर भी बहुत अच्छा आया है, और बनी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है सब्ज़ी हमारी। तो अब हम इसको ढक देंगे, और ढक के 5 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो सब्ज़ी जो है हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब इसे हम सर्व करने की तैयारी करते हैं। इसे आप पूरी परांठे के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद है वो खाइए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी है जी, और कलर भी देखिए इसका कितना प्यारा है। तो ज़रूर आप ये सब्ज़ी बनाना, अपनों के साथ अपनों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए, और मेरे चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी मेरा चैनल शेयर करना। तो मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।